खत्म होना चाहिए और हम सबों की कोशिश भी होनी चाहिए। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील की है, गृह मंत्री जी ने हर पार्टियों की बैठक बुलाई और हमारी पुलिस और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं बहुत ही काम कर रही हैं। स्वाभाविक दिखाई पड़ता है कि कई लोगों ने हिंसा जानबूझकर फैलाया, कुछ लोगों ने छतों से भी खुराफात की कई बार टीवी पर दिखाया पड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। अभी हम सबों की कोशिश है कि वहां शांति होनी चाहिए। अभी का समय शांति और सद्भाव का है। सोनिया गांधी की जो टिप्पणी अभी हुई है वो असमय है और कई मामले में अनुचित है। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए उस समय भी राजनीति ही सूची है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं कंडेम करता हूं। बात कही गई है, कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहने के लिए बहुत कुछ है कि जब जब कोई बड़े संकट का विषय आता है तो किस तरह से वो राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। चाहे वो उरी का हमला हो, चाहे वो बालाकोट की घटना हो, कभी कभी कांग्रेस पार्टी को ये विचार करना चाहिए कि जब देश में तनाव है तो उसको कम करने की कोशिश की जाए कि उसके आग में घी डाला जाए। एक दूसरा विषय भी कांग्रेस के संबंध में है, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वापस लौट गए हैं तो इस विषय को मैं उठा रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक ऐतिहासिक यात्रा हुई, भारत और अमेरिका की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। उनको ऐतिहासिक स्वागत मिला और उन्होंने भी अपने इस अनुभव को बार बार देश के सामने स्वीकारा भी। उनके सम्मान में एक राष्ट्रीय भोज दिया गया था और कांग्रेस पार्टी नहीं गई, इसलिए कि उनके दोनों दलों के नेता राज्यसभा और लोकसभा के और पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह इसलिए नहीं गए कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया। क्या मतलब है इसका? क्या जिस समय पूरे देश को एक स्वर में एक इतने महत्वपूर्ण विदेशी मेहमान के स्वागत में रहना चाहिए राष्ट्रपति भवन के भोज में जो राजकीय भोज है, तब भी आप हल्की राजनीति करेंगे? और जब कांग्रेस के नेताओं ने कहा ही, तो आज मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूपीए के सरकार में प्रेसिडेंट बुश आए थे ना, और 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा भी आए थे, क्या उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों को यूपीए सरकार ने बुलाया था क्या? राजनाथ जी अध्यक्ष थे और नितिन गडकरी अध्यक्ष थे। और इस बात को कभी नहीं भूला जाए कि भाजपा रिकग्नाइज्ड अपोजिशन थी। आज कांग्रेस पार्टी रिकग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं है लोकसभा में। तो इसका क्या मतलब है कि आप प्रोटेस्ट करने का तरीका हो सकता है, लेकिन आपने पूरे उस राजकीय डिनर का बहिष्कार किया, तो कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा की जाए? परिवार के प्रति इतनी आसक्ति है कि और कुछ देख नहीं सकते? परिवार की आसक्ति के सामने कई बार देश हित भी पीछे पड़ जाता है। मुझे याद आया कि एक बार राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 26 जनवरी को दूसरे रूप में बिठाया गया था तो बहुत हंगामा किया गया था। तो उन्हें बता दूं कि राजनाथ जी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष में यूपीए काल में 8वीं रो में बिठाया गया था, तब तो हमने कोई विषय नहीं बनाया था। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया तो आपकी सोच थी? उस समय विपक्ष नेताओं को बुलाया गया था, हमारे पास पूरी सूची है उस समय की किसको किसको बुलाया गया था। तो आज मैं
जान के विषय इसलिए उठा रहा हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहुत ही सफल यात्रा के बाद घर लौट चुके हैं, तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने जरूरी है। कृपया करके राष्ट्रीय मामलों पर इस तरह की सस्ती और हल्की राजनीति करना बंद करें, इससे देश का मान तो कम नहीं होता, उनकी अपनी पार्टी का मान कम होता है। अब इंग्लिश में बोल देते हैं। टुडे मिसेस सोनिया गांधी हैज आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस कंसर्निंग द टेंशन इन दिल्ली। इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्पीक इन वन वॉइस for the common objective of bringing peace at the earliest and restore amity and brotherhood. Even the Prime Minister has tweeted, making an appeal. Home Minister Amit Shah has called an all-party meeting. The police and the paramilitary forces are on the ground seeking to restore peace. We know there have been instances of people seeking to instigate, many people even throwing very disturbing objects from their roofs. Those are matters of investigation. But today we need to restore peace at the earliest. We expected Mrs. Gandhi to properly understand the sensitive importance of peace and not to play politics. I regret she did the same today. I would like to gently remind Mrs. Sonia Gandhi, I don't want to have a political one-upmanship with her. A lot can be said about Congress Party, and we'll say a lot about the antecedents of Congress Party, how they sought to, in a way, impinge upon the morale of forces in the wake of Balakot by our seeking proof, in the wake of what happened in Uri's attack, host of other issues about forces. I don't want to raise that, but we will, because today it should be our common endeavor that peace and amity must be restored at the earliest. But since Mrs. Gandhi went today, talk to the press and ask some questions, today I have to ask her some questions. And this I am consciously and deliberately doing after President Trump has returned to USA after a historic, very, very successful visit. Mrs. Gandhi, why is it that none of your leader of the Lok Sabha and Raj Sabha and the former Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, chose to attend the state dinner given by the President of India in honor of President Trump and the First Lady? Only because you were not invited. Has Congress Party stooped to such a level, but the image of the country becomes secondary and the supposed prestige of the family becomes primary? Mrs. Gandhi, kindly recall in the UPA regime when President Bush and President Obama had come to India, was Rajnath Singh the president and Nitin Gadkari, subsequently the All India president, were invited in the state dinner? No, I have got the list with me. Not at all. What is this? Did we make an issue? The leader of opposition of the two houses, late Arun Jaitley ji, late Sushma Swaraj ji, Atal Bihari Vajpayee, Advani ji, and Mr. Jaswant Singh were invited, the matter ended. What kind of politics is this, we want to know? That such a historic visit, successful visit, propounding Indo-US relationship to extraordinary heights, was thought to be compromised by the personal ego of the family. Is it what your family thinks? Please introspect. Nothing has happened to the country. Country is rising high. And the effusive praise which President Trump has
showered upon India, its potential, and the capability of Prime Minister Modi, the world has seen how lakhs of people came. But Ms. Sonia Gandhi and Congress Party, please think. Did you enhance the prestige of Congress Party by boycotting the dinner of the President in his honor, in the honor of President Trump, where neither Mr. Manmohan Singh, nor Mr. Adhiranjan Chaudhary, nor Mr. Ghulam Nabi Azad, leaders of two houses, were present? And remember, Mrs. Sonia Gandhi, your party is not a recognized opposition. Yet they were invited. I hope you will get some issues for ponder and consideration.